अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 2 महीने की दुल्हन्ने की खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के उदगिर से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल सादिया बेगम, जिसका निकाह 2 महीने कबल 21 साल इसहाक से हुआ था, काम की तलाश में इसहाक सादिया 15 दिन पहले हैदराबाद आए और पुराने शहर के जहांगीराबाद बल्लागुड़ा चंद्रायन गुटा PS हदूद में किराए के मकान में रहने लगे। ज़राए से मिली इतला के मुताबिक किसी बात पर लड़ाई होने की वजह से पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वाक़े की इतला मिलते ही चंद्रायन गुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर हरीश और क्ल्यूज़ टीम के साथ साथ डिवीज़न नाइट ऑफिसर अब्दुल खादर जिलानी मौके वारदात पर पहुँच कर जायज़ा लिए, लाश को उस्मानिया मुर्दा खाना मुंतकल किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रहे हैं। आइए नाज़रीन सुनते हैं मज़ीद तफसीलात अब्दुल खादर जिलानी की ज़ुबानी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज यानी 4 अगस्त 2022 चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक सुसाइड का वाकया पेश आया है। दीगर तफसीलात किसी को भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि एक खातून का सुसाइड का मामला है ये। सो एक अफसोसनाक बात है ये खुदकुशी करना। दीगर तफसीलात चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में तहकीकात जारी हैं, तफसीलात चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से मिलेंगे। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये रीजन बिहाइंड दी सुसाइड कुछ पता चला गया? नहीं, ऐसा समझ में आ रहा कि थोड़ा जल्दबाजी करी है बच्ची को। वो महाराष्ट्र के हैं बल्कि मालूम हुआ, यहाँ पे थोड़े दिन हुआ आके, शादी हो के 1-2 महीने हुआ महाराष्ट्र से यहाँ पे आके। वो हस्बैंड को जो है फ़ोन करके बुलाए, उन्होंने शोहर को अपने फ़ोन करके बुलाए आने के लिए। वो बच्चा जो है नहीं आया, कुछ लेट कर दिया बल्कि बोल रहा था। दीगर तफसीलात जारी। एज क्या थी सर? 18 या 20 साल कुछ है।